तो दोस्तों आइए आपको लेके चलते हैं डायट लखनऊ के राधा कृष्णन हॉल में। तो हमारे साथ हमारे मित्र दुर्गेश जी जो आपको आगे का दृश्य दिखाएंगे। तो यहाँ पे कुछ छात्र हैं, उनसे हम कुछ पूछेंगे कि यहाँ पे पढ़ाई कैसी है। आइए रिव्यू लेते हैं अपने मित्रों से। आलोक जी से बात करेंगे कि डाइट में आकर के इनको कैसा बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा है यहाँ का। फिलहाल समझ लीजिए 10 बजे आना है, शाम को 5 बजे जाना होता है। ये हमारे यहाँ से रेगुलर चल रही है। स्ट्रेंथ भी काफ़ी आप देख रहे हैं, कैंपस में आए होंगे काफ़ी से बाहर बच्चे खड़े हुए हैं, तो स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी खासी है। तो मान के चलिए 1.5 कैंपस अच्छा है। तो आप लोगों ने देखा, हमारे मित्र आलोक जी ने बताया कि डाइट लखनऊ में आके इनको काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आइए अब आगे इस जगह का, यहाँ पर हमारे नागेंद्र दीक्षित जी का चौपाल लगा हुआ है, इसको हम लोग दिखाना चाहेंगे। दीक्षित जी आप दो शब्द कहिए, डाइट लखनऊ में आके आपको कैसा लग रहा है? डाइट लखनऊ में जब अभी हम पढ़ रहे थे, राजभर मैडम पढ़ा रही थी, तो बाहर एक जीव दूसरे जीव का आहार बन रहा था। उस एक जीव, और ये प्रकृति का नियम है कि एक इंसान दूसरे इंसान को दबाने की कोशिश करता है। जैसा कि हमारे नागेंद्र जी बता रहे हैं कि एक जीव दूसरे जीव का आहार बन रहा था, तो हमारे डाइट के बगल में मतलब एक छोटा सा घास का मैदान है, वहाँ पे एक सांप एक मेंढक को खा रहा था। तो ऐसा होता है कि जो हमारा जो जो, जो चक्रण है वो चलता रहता है। जैसे हम किसी के ऊपर आधारित हैं तो वो भी किसी के ऊपर ही। लैमार्किज्म की थ्योरी बोलते हैं, जिसमें ये होता है कि हर एक प्राणी अपने आप को जो है सर्वाइव करने के लिए दूसरे को जो है भक्षण करता है। बिल्कुल, उसको कहते हैं, उसने थ्योरी दी थी एक हमारे साइंटिस्ट से, लैमार्किज्म, ठीक है। तो वो कहते थे कि सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट, अगर आपको सर्वाइव करना है, फिट रहना, तो दूसरे को आपको कॉम्पिटिशन के जीतना होगा उसको। देखिए डाइट में आपको हर तरह के छात्र मिलेंगे, बायोलॉजी के, इतिहास के, भूगोल के, और कुछ इंजीनियर्स भी हैं हमारे यहाँ। ये जो डाइट है ये छात्रों के ज्ञान से भरा हुआ है जी। नागेंद्र जी से कुछ और जान लेते हैं। हाँ, जैसे आज जब हम लोग पढ़ रहे थे कि वो लगभग 12:30 का जो समय आ गया, ये शिक्षा का जो है, बोलते हैं शिक्षा का प्रस्तुतिकरण जो मैडम बता रही थी हमारी राजभर मैडम, 12:30 बजने के बाद में लड़के बोले मैम लंच हो गया, मैम लंच हो गया। लेकिन मैम के अंदर वो प्रकटीकरण की स्थिति बनी हुई थी कि वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बताना चाहती थी कि नहीं अभी मैं आज कंप्लीट करा के ही जाऊँगी। तो उसे भी एक कालचक्र हो सकता है कि जैसे एक सर्प भक्षण कर रहा था चूहे का अपनी क्षुधा मिटाने के लिए, तो एक जो शिक्षण की जो मंशा थी उसको मिटाने के लिए मैडम हम लोगों को प्रेशर डाल रही थी कि नहीं अब तो मैं पढ़ा के ही जाऊँगी। बहुत बहुत धन्यवाद नागेंद्र दीक्षित जी, और जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब लेके चलते हैं आपको आगे बढ़ते हैं अनुप जी के पास चलते हैं। अनुप जी यहाँ पे, तो अनुप जी आपको यहाँ पे आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा कैंपस है, सबको अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लग रहा है। मन से बोलिएगा, यहाँ की फैकल्टी भी बहुत अच्छी है, हमने देखा है हर कॉलेज के रिस्पेक्ट में यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है, तो सब दोस्त हैं यहाँ पे, वो फ्रेंड भी बहुत हैं जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। चलिए हम आगे चलते हैं, कुछ और भी हैं दोस्त, तो इनसे ये हमारे मित्र आदर्श जी इनसे पूछेंगे इनको डाइट में आकर कैसा लगता है। सबसे पहले हम आपका चैनल के माध्यम से आप सबको हेलो हाय हाउ आर यू पूछते हैं, आप लोग कैसे हैं। और जैसा कि मैं भाई साहब ने पूछा कि डाइट में आके कैसा लगा, तो लखनऊ डाइट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइट इन द यूपी, एंड यहाँ पे आके सच में बहुत ही अच्छा लगा कि हाँ सच में डीलेट वो करना एक अच्छा कोर्स है। जैसे कि लोग बहुत लोग किनारा काटते हैं, बट टीचिंग इज़ द बेस्ट प्रोफेशन। आप एक कलम, एक पेपर और एक स्टूडेंट की मदद से दुनिया बदल सकते हैं, ये यहाँ पर आपको सीखने का मौका मिलेगा। इसी साथ अपनी बात को यहाँ विराम देते हैं, एंड आप लोग को सपोर्ट करते हैं, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एंड थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों आइए चलते हैं जहाँ पर हमारी क्लासेस चलती हैं, राधा कृष्ण हॉल है ये। आप लोग देख सकते हैं कि हमारी क्लासेस यहाँ कितनी बेहतरीन ढंग से चलती है, और काफी बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे आदित्य की यहाँ पर तैयारी के लिए भी मतलब क्लासेस बनने वाली हैं, तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आपको तैयारी के लिए एक क्लास आपको मिलेगी, जैसा कि तैयारी करने बताया था। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ हमारे कुछ और मित्र हैं, तो उनसे जानना चाहेंगे कि उनको डायट में आकर के यहाँ पे कैसा लग रहा है। मेरा नाम सईदा संजुष्टी है,
लखनऊ डाइट में आके मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ का माहौल अच्छा है, स्टूडेंट्स अच्छे हैं, टीचर्स भी अच्छे हैं और काफ़ी शिक्षाप्रद माहौल है। आपको लाइब्रेरी की एक्सेस मिल जाती है तो काफ़ी किताबें पढ़ने लग जाती हैं, बस टीचर से इंटरेक्शन अच्छा है आपका तो आप मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। धन्यवाद। दोस्तों आइए हम आपको मिलवाते हैं हमारे मित्र शुभम जी से, जो आपको बताएंगे डाइट लखनऊ में आके कैसा लगता है। भारत का मानचित्र अपने ध्यान में उड़े रहे हैं और हमारे पीछे मानचित्र के अच्छे जानकार सौरभ जी हमारे मानचित्र विशेषज्ञ हैं। सौरभ जी आप कुछ बोलना चाहेंगे सौरभ जी मानचित्र के बारे में? आइए फरमाइए। तो दोस्तों आइए अपने कुछ मित्र से मिलवाते हैं जो आपको बताएंगे डाइट लखनऊ के बारे में। आपको डाइट लखनऊ में आकर कैसी अनुभूति हो रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अवधेश जी कुछ आप बताइए। डाइट लखनऊ में आके हम लोग यहाँ बहुत कुछ सीख रहे हैं, कभी केलम मेला होता है सीखते हैं, तो कभी अपर देश योजना आया तो उसमें बाहर जाके सीखने को मिलता है। कहीं ना कहीं मतलब जितना आपको एक्सपीरियंस होगा उतना फायदा ही होगा। यदि आप ज़्यादा घूमे तो आपके बिहेवियर में और आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आएगा, वो सारे असर यहाँ पे जरूर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों आपको मिलवाते हैं हम डाइट के कुछ हमारे दोस्त और प्रशिक्षक से। ये हमारे डाइट के हमारे मित्र और हमारे साथ के प्रशिक्षु लोग हैं, उनकी एक कार्यशाला यहाँ पे बैठी हुई है, मतलब उनको चौपाल के रूप में हम जान सकते हैं। और जिनका मैंने विशेष एक नाम रखा हुआ है दीक्षित जी का चौपाल, तो हम जानना चाहेंगे कि उनके चौपाल में आजकल क्या चल रहा है, कौन कौन से मुद्दे हैं जो आजकल हमारे समाज में हमारे क्षेत्र में चल रहे हैं, तो हम इनसे जानना चाहते हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि आज का मुद्दा क्या था इनके इनके चौपाल का। हमारी चौपाल का मुद्दा जो था वो हथियार की सफाई, मतलब हथियारों की सफाई आप किस तरीके से करें। तो डार्विन का सिद्धांत है कि जिस अंग का आप उपयोग कम करेंगे वो अंग आपका खत्म होता चला जाएगा। तो उसी तरीके से अगर आपके पास कोई हथियार है और आप उस हथियार के वो आपकी जो रक्षा करता है, अगर आप उस हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर उसका साफ सफाई नियमित रूप से नहीं करेंगे, अगर आप उसमें प्रैक्टिस नहीं करेंगे उस हथियार को, तो हथियार आने वाले समय में आपकी रक्षा नहीं करेंगे, वो लुप्त हो जाएगा। जो भी अगर आप और इसी तरीके से अगर शिक्षण की विधि में बात की जाए कि अगर आप अपने आप को आप अच्छे पढ़ने में हैं, आपको पता है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नियमित रूप से अभ्यास नहीं करेंगे, अगर आप पढ़ेंगे नहीं, अगर आप पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, तो वो चीज़ें आपके अंदर क्षय, उन चीज़ों का आपको क्षय होता चला जाएगा। हर आदमी बेहतर करना चाहता है कि मैं भी बेहतर करूँ, जाके मैं भी स्टेज पर जाऊँ और मेरा TLM सबसे बेहतर हो, लेकिन वो TLM तभी आपका बेहतर हो सकेगा जब आप उसका रेगुलर अभ्यास करेंगे, यानी कि आप अपने लेखन कौशल को बढ़ाइए। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि जिस अंग का आप उपयोग नहीं करेंगे वो छीण होता चला जाएगा। लेखन कौशल, श्यामपट कौशल, आप अपने वक्तव्य, आपका व्याख्यान, आपको समझाने की विधि, ये सारी चीज़ें आपके अभ्यास पे आएंगी। तो हमारे जो आज चर्चा का जो विषय हमारी चौपाल का था, वो हमारी चर्चा का विषय था कि आप अपने आप को तराशिए नित्यदिन प्रतिदिन। नवीन जी से ये जान करके बहुत अच्छा लगा है। तो लास्ट में मैं दो लाइन कहना चाहता हूँ कि तेरी मेरी सब की बात लिखेंगे हम ही तो कल इतिहास लिखेंगे जी, इतिहास लिखेंगे। सूरज के रथ हम चढ़ेंगे जरूर, हाथ जो बढ़ाएंगे तो चंदा नहीं दूर, सूखे बादलों पर बरसात लिखेंगे हम ही तो कल इतिहास लिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल पर नया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।